वेलकम टू माय वीडियो गाइस। आज की वीडियो में वेलकम करता हूँ आप सबको गाइस। आज मैं ऑफिस से जब वापस घर पे आया तो जनाब मेरे लिए जो है वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो जब मैंने पूछा कि भी मेरे लिए क्या है सब बनाया जा रहा है, तो गाइस उन्होंने कहा कि भी आपकी फेवरेट जो सब्जी है ना वो बना रही हूँ। तो चलो पूछते हैं कि भी आज कौन सी मेरी जो फेवरेट सब्जी है वो आप बना रही हैं, बताएं जरा जी। तो गाइज आप सबको मैं बता दूँ कि भी मुझे ना भिंडी बहुत पसंद है, ठीक है। तो जनाब ने ना कटिंग वगैरह करके सारा कुछ रखा हुआ है, तो मैंने इसके लिए आज एक ये आज इसके लिए वो क्या है उसको कहते हैं हम कि भी गोल्डन डे, इसके लिए ये है कि मैं आज अपने हाथों से भी सब्जी बनाऊंगा और फिर हम मिलके खाना खाएंगे। तो गाइज ये मुझे गाइड करेगी कि भी सब्जी कैसे बनानी है, ठीक है। तो चलो हम चलते किचन की तरफ जी। गाइस तो यार हम ना किचन में आ गए हैं, तो जनाब मिसेज जो है वो टमाटर वगैरह काट लिए हैं उन्होंने, ठीक है। और कटिंग करके जो है वो प्याज जनाब काट लिए नहीं है तो यार टमाटर काट लिए, प्याज भी जो है ना वो पहले से काट के इन्होंने रख लिए थे मेरे से ना ऑफिस से आने से पहले काट लिए थे। तो ये प्याज भी जनाब के हो गए हुए हैं, ठीक है। और जो ये देखें जी भिंडी जो है, देखिए भिंडी भी बहुत प्यारी वो कटिंग करने के बाद वॉश करके ना जो ये रखी हुई है इन्होंने। तो चलो अब ना मैं जनाब ज़रा जो है वो ऑन कर देता हूँ चूल्हा, ठीक है। तो मैं खुद बनाऊँगा जी आज जो है ना, मैं खुद बनाऊँगा और जनाब फिर बताएंगे कि कैसी बनाई है मैंने, ठीक है। तो ऑन कर लेते हैं, तो देखें जी ऑन हो गया। अब मुझे बताती जाएंगी कि भी क्या क्या कितना डालना है, क्वान्टिटी किस क्वान्टिटी में डालना है, ये चेक करेंगे। अब गाइड पूरे पूरे ऑयल मुझे बता देना जी कितना डालना, ठीक है। ये हम ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया ऑयल, ये देख लें जी मैडम, ये देख लें। अब ऑयल बताएं, हमने लिए आधा किलो भिंडी, हाँ जी पूरी पूरी बताएंगे। एक पाव हमने लिए हैं प्याज और एक पाव ही टमाटर, ठीक है, आधा किलो भिंडी के लिए। जनाब आप पूरी पूरी रेसिपी सुन लो। अच्छा ये देखो जरा, मैंने खुद गाइस बनानी, मैंने खुद है तो वो खुद बनाना शुरू हो गई है, ठीक है। मैं उसको कह रहा हूँ कि आपके लिए गुड न्यूज है, अब आप इसके अंदर ऑनियन ऐड करेंगे। तो यार मैं ना तब तक जरा ऑयल तक ना गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जनाब हाँ जी ये देखें जी, तो गाइस ये ना भिंडी जो है वो मैंने डाल दी है थोड़ी सी, तो देखें अब इसको ना ब्राउन करना है, ब्राउन करना है बहुत है, इतनी और डाल दें गाइस। तब तक ना जनाब जो है वो कटिंग कर रही हैं, तो दूसरी साइड पे हमारी जो भिंडी है वो मैं लाइट ब्राउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसी बनती है मेरे हाथों की ये भिंडी जो है, मैं कैसी बनाता हूँ। चलें तब तक इसको मैं ब्राउन कर लेता हूँ। गाइज यार मैं ना दूसरी साइड पे भिंडी फ्राई कर रहा हूँ, तो बेगम साहिबा जो वो कटिंग कर रही है यहाँ पे सारी धनिया और हरी मिर्च वगैरह कटिंग कर रही है। तो देखते हैं, यहाँ पे दूसरी साइड पे भिंडी काफ़ी हो गई है, गोल्डन कलर आ रहा है अभी इसके ऊपर, तो सारी हम ना कर लेते हैं फ्राई, तो फिर आपसे बात करते हैं। ना अब ये भिंडियाँ निकाली जा रही है, फ्राई हो गई हैं और ये निकाल रहे हैं। ये जो मैंने निकाल ली है, ठीक है। तो अब बारी आती है प्याज की, तो प्याज को भी ब्राउन करना है सारा, तो एक साथ ही कर लें वो जी। जी एक साथ ही करते हैं जी, एक साथ। वो भिंडी थोड़ी हाफ हाफ करते हैं कि एक दफ़ा में कहीं वो सारी खराब ना हो जाए। चलें जी, तो आंच जो थोड़ी सी तेज कर लेते हैं ताकि जल्दी से ब्राउन हो जाए प्याज हमारा। ये ऑयल बिल्कुल ठीक है, अभी जो भिंडियों के अंदर है वो भी तो होगा ना। चलें जी ठीक हो गया, अभी अब प्याज जब वो ब्राउन हो चुका है जी, दिखाएं देख लो जी तकरीबन हो गया होगा, देखें जरा जी। मेरा ख्याल है ये ठीक है, ज्यादा वो जो अब हो जाता है ना गोल्डन गोल्डन वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा वो कच्चा, हम दोनों को नहीं पसंद भिंडी में अदरक लहसुन, तो डेट्स व्हाई हमने ये ऐड कर दिया। नहीं एक्चुअली पसंद की बात नहीं है, हमारे पास है नहीं अभी नहीं नहीं लेके नहीं था एक्चुअली हमारे पास अदरक लहसुन
मैं लेके नहीं आया, भूल गया था लेके आना, तो हम आज भी उसके बगैर ही बना रहे जी। तो आप लोगों को बताएंगे अदरक लहसुन के बगैर कैसे बनती है पूरी टेस्ट करके जी। आप थोड़ी सी फ्लेम कर देना जी, मुझे इस वक्त किचन में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, इस वक्त मैं कैमरामैन बनी हुई हूँ। एक डालें टेबलस्पून, एक टेबलस्पून जो है वो रेड चिली आ गई जी, थोड़ी सी ऊपर कर देना थोड़ी सी जी, ठीक है डेढ़ हो गया, ठीक है। अब हमारा हाफ ये आप कर दें नमक का। अच्छा हल्दी डालने लगे, हल्दी डेढ़ स्पून, नहीं नहीं थोड़ी सी और डाल, आधी डेढ़ बस, आधी हो गई, ये हो गई हमारी हल्दी भी हो गई है। तो अभी हम चलते हैं जी नमक, तो नमक हमारा हम डाल दें एक टेबल स्पून, हाफ क्या हो गया। चलो जी हाफ जो नमक थोड़ा सा ज्यादा, अच्छा चले जी। दो तीन दाने अगर आप जीरे के डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हाँ जी चलें, जीरा भी डाल देते हैं। सिर्फ जीरा डालना है, दालचीनी वगैरह नहीं डालनी, वो बाद में देखते हैं। अभी आंच काफी तेज हो गई है, इसको भी देखना कि जल ना ना जैसा जी। टमाटर जब जैसे थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो आपने इसको अच्छे से वो करना है, पेस्ट बना देना है इनको, मैश कर देंगे है ना। चले आप साइड पे होंगे ना, तो मैं जरा अपना काम कर लूँ मुकम्मल, तो आपको आज हंडी आप मेरी हाथ की मिलेगी जी। ये देखिए ये इन्होंने स्पाइस डाले हुए हैं, थोड़ा सा पानी आप ऐड कर लें ताकि ये नमक जो है वो टमाटर जो हमने डाले थे वो आप दिखा दो जरा और हमारे व्यूवर्स को भी, भाई वो जो पेस्ट बनता है ना वो अच्छे तरीके से ना वो बन गया, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कप में, तो यार गाइस थोड़ा सा पानी जो है ना वो हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी, तो साथ ही बेगम डाल दी ना मसाला जा जो रखे हुए ये, तो ये डाल देना अभी हम। हाँ जी, तो गाइस ये सारे जा रहे हैं मसाले भाई, इसमें हमने डाल दिए सारे। तो अब इसको भूनना है हमने, तो हम थोड़ा सा इसको ना इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो बना आप देख लें जी गैस, बुनाई हो रही है जी गैस। तो कैमरा जरा नज़दीक ले हैं, तो जनाब गैस बुनाई कर ली है, ऑयल जो है वो देखे ज़रा बाहर निकला है। तो अभी हम ना इसके अंदर जो हमारी जो भिंडियाँ में रखी हुई थी ना वो सारी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलें जी, जो हमारा जो धनिया और हरी मिर्च रखी है ना वो हम एंड पे इसमें ऐड कर सकते हैं ना या नहीं? जी गार्निश के लिए करेंगे। अभी ये भिंडियों का आपने क्या करना है, दम पे लगाना है? हाँ जी, आपने मुझे बताना है तो मैं भी दम पे लगा दूंगा। आंच जी हल्की आंच करके इसके ऊपर इसकी लैड दे दे, इसका ढक्कन दे दे। दम पे रखने से पहले ना जो मैंने आपको बताया था धनिया और हरी मिर्च रखी है ना, तो ऊपर गार्निश कर देते ऊपर, ठीक है। तो साथ ही इसको हम अब दम पे दे देते हैं, ठीक है। तो दम के लिए फ्लेम ज़्यादा है, थोड़ी सी कम करें, थोड़ी सी कम कर लेते हैं मज़ीद जी। तो ये हमने इसको दम पे रख दिया जी। जी गाइस, तो आपको ना अब मैं ना फाइनल लुक जो है ना वो दिखा देता हूँ जी। तो हमारी जो भिंडी है वो तैयार हो गई है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था मैंने जो है वो भिंडियाँ बना ली हैं। तो यार आप सबको वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि भी आज जो हमारी वाइफ है ना वो उन्होंने कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो भी मैं जा रहा हूँ बाज़ार से रोटी लेने के लिए, तो फिर हम बैठ के खाएँगे खाना कहीं। तो ये रोटियाँ हम ले आए हैं, ठीक है। पानी भी पास रख लिया और रोटी भी हम ले आए हैं, ठीक है। तो अभी जनाब पूछते हैं मिसिस से। तो आप पहला जो है निवाला लेके मुझे बताएं
कि खाना जो है ना वो मैंने कैसा बनाया। तो ये जनाब खाना खाने लगी हैं और बताएंगी कि भाई कैसा बना। मैं वेट करता हूँ जी। आपको खिलाऊं? नहीं, पहले आप खाओ यार। आप ले लो। नहीं नहीं, पहले आप लो। आप आपके लिए बना तो आप मुझे बताओ कैसा बना। पहले भी मुझे भी एक नहीं वाला दिखाओ, मैं खुद खा के बताऊंगा भाई कैसी बनी है भिंडी। मैं खुद खिला सकती हूँ। हाँ जी। यार सच्ची में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने बनाई है। टेस्टी बनी है गाइस। बताया किसने है आखिर? ट्रेनर मेरी ये थी यार, गाइस ट्रेनर मेरी ये थी, लेकिन टेस्टी बनाई है मैंने। मैंने भिंडी, मुझे गाइस भिंडी बनानी आ गई है। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमने कैसी भिंडी बनाई, ठीक है? और कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग आपको? हाँ जी बिल्कुल, मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसी वीडियोस बना के दें कुकिंग वाली, हम और भी बना सकते हैं, बट आपका कमेंट्स आना लाजमी है। बाय बाय।